मैं आपको एक इमेज दिखा रही हूँ इसे अच्छे से देखो और पांच सेकंड बाद मुझे बताना कि इनमें से कौन सी इमेज आपको याद रहती है आई होप आप में से ज्यादातर लोगों को येलो वाला आइकन याद रहा होगा लेकिन क्यों क्योंकि वो डिफरेंट है

फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन तो जितना आपका ये फर्स्ट इंप्रेशन इंपैक्टफुल रहता है उतना थर्टी मिनट बाद भी इंटरव्यूअर आपको याद रखता है इस first impression को, इस फर्स्ट इंप्रेशन को को इंट्रोडक्शन इंपैक्टफुल कैसे बनाया जा सकता है ताकि इंटरव्यूअर आपको याद रखे दैट इज वेयर ह्यूमन साइकोलॉजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल सो दो के अंदर एक ऐसी स्टडी कंडक्ट की गई थी जिसमें यह देखा गया कि किसी भी पर्सन को कोई भी चीज कितनी ज्यादा याद रहती है उसमें हमारे सेंसेस का क्या रोल होता है सो so, हमारी पांच सेंसेस कौन सी होती हैं हेयर सी टच

तीन सेंसेस को यूज करेंगे टू मेक आर इंट्रोडक्शन इंपैक्टफुल वो तीन सेंसेस होंगी हेयर सी एंड टच सबसे पहले आप जितना क्लियरली और कॉन्फिडेंटली बोलते हो उतना आपके इंटरव्यूअर की हेयरिंग सेंस इवोक होती है उसके बाद है सी जब आप रूम में एंटर करते हो अगर आप आई कांटेक्ट मेंटेन करते हो अगर आपका पोस्चर आपकी बॉडी लैंग्वेज सही है अगर आप स्माइल कर रहे हो अगर आपके हैंड जेस्टर्स लेकिन हैं जरूर देन आपके इंटरव्यूअर का का सेंसेस भी इवोक होता है फाइनली इंट्रोडक्शन से पहले जब आप हैंड को शेक करते हो वो हैंड शेक कितना फर्म है उससे टच का सेंसेशन इवोक होता है इसमें एक बोनस पॉइंट भी है कि अगर आप इंटरव्यू में जाने से पहले अपने हैंड के इस रिस्ट वाले पोर्शन के ऊपर थोड़ा सा परफ्यूम स्प्रे करते हो नॉट वेरी बट थोड़ा सा तो इवन स्मेलिंग की सेंस भी वोक होती है सो आर ऑल दी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जो आप इंट्रोडक्शन वो मिनट्स के लिए यूज कर सकते हो टू मेक श्योर कि आप जो भी बोलने वाले हो वो और ज्यादा इंपैक्टफुल लगे तो अब आते हैं उस बोलने वाले पार्ट पे दैट वॉट शुड बी द फ्रेमवर्क ऑफ योर इंट्रोडक्शन यहां पे मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सा एक क्यूरियोसिटी वाला एलिमेंट है जो

During my childhood, I developed a strong inclination towards business because I used to help my maternal uncle with his general store. In order to understand how businesses work better, I decided to pursue commerce after class 10th. And while I was in school, I participated in a lot of national and international competitions. After class 12th, I decided to pursue B.Com Honors because that inclination grew and I wanted to get a holistic perspective around business, which is also why I interned at multiple startups, understanding marketing, finance, HR.

एक ऐसा क्यूरियस पॉइंट स्टार्टिंग में होना चाहिए कि कोई भी इंटरव्यूअर का डायरेक्ट ध्यान आपके ऊपर आ जाए जैसे मेरी इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने सेकंड ही लाइन में ये चीज बोली कि मैं अपने मामा जी की शॉप पे उनकी हेल्प किया करती थी उनके बिजनेस में तो कितने सारे सवाल आते हैं कब करती थी कितने साल की थी मैं कौन सी तरह का बिजनेस था कैसे हेल्प की मैंने तो जैसे ये पॉइंट आया होगा कोई भी इंटरव्यूअर के दिमाग में ये सारे सवाल आए होंगे जो वो मुझसे पूछना चाहते होंगे विच इज वेयर आई गॉट देयर अटेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम उसके बाद आता है लेवल टू इस स्टेज में यू बिल्ड अ स्टोरी विद मेनी लूज एंड्स

कौन से स्टार्टअप्स कब किया मैंने इंटर्न कितनी देर के लिए किया इंटर्न क्या सीखा मैंने उनमें कौन से रोल्स थे इसी तरह मैंने बोला मेरी डिसेंट सीजीपीए थी कॉलेज में कितनी सी जी पी ए थी कौन से सब्जेक्ट्स के कारण सी जी पी ए ज्यादा थी या कम थी रैंक क्या था ओवरऑल कॉलेज में सो so, आप ऐसे बहुत सारे लूज एंड्स छोड़ते रहते हो कम से कम तीन पांच लूज एंड्स अपनी इंट्रोडक्शन में छोड़ो जिसके कारण उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ती ही जाएगी जितने ये सवाल उनके दिमाग में आते जाएंगे वो उतना वो सवालों को नोट करते जाएंगे ताकि वो पूरे इंटरव्यू में आपको यही सवाल पूछे विच विल बी द बेस्ट थिंग क्योंकि आप तो चाहोगे ना कि वो आपको वही सवाल पूछे जिनके आंसर आप प्रिपेयर करके आए होंगे। फाइनली आता है क्यूरियोसिटी का लेवल थ्री दिस इज where द पीक ऑफ curiosity गेट्स हिट ये वो पार्ट है आपकी इंट्रोडक्शन का जो आखिर में आएगा तो आप चाहते हो कि आपको सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाएं। जैसे जब मैं इंटरव्यू देने गई थी तो मेरा कंफर्ट जोन था मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग मैं चाहती थी कि मुझे जितने ज्यादा सवाल इस एरिया में पूछे जाएंगे उतना अच्छा है क्योंकि दैट इज वन माई कंफर्ट जोन एंड सेकेंड ऑल्सो वाई एम ए डिफरेंट कैंडिडेट दैन अदर्स जो भी इंटरव्यू देने आए होंगे तो पूरी इंट्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद आखिरी चीज जो मैंने बोली

एक वर्किंग प्रोफेशनल का इंट्रोडक्शन शेयर कर रही हूँ इंट्रोडक्शन so, में भी मैंने वो तीन लेवल्स को हाईलाइट कर रखा है आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आराम से देख सकते हो टू अंडरस्टैंड वो तीन लेवल्स कैसे पीक ऑफ क्यूरिटी को हिट करने में हेल्प करते हैं सिमिलरली ये वाला इंट्रोडक्शन है गैप इन का और इसमें भी मैंने वो तीनों लेवल्स को मार्क कर रखा है एंड एंड में मैं पीक ऑफ क्यूरोसिटी को हिट करती हूँ so, इससे ये समझ में आता है कि चाहे आप फ्रेशर हो चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो चाहे आप गैप ईयर में हो चाहे आप एमबीए के इंटरव्यू